हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिज्ञासा में। आज हम बनाएंगे लौकी के छिलके के डोसे। चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ हमें एक जार लेना है और लौकी के छिलके निकाल कर उसे अच्छे से धोकर उसको मिक्सी जार में डाल देना है, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ हम आधा बंच धनिया डालेंगे और उसके टर्टल के साथ ही डालेंगे, उसको कट नहीं करेंगे हम। तो हम डालेंगे उड़द की भिगी हुई दाल, जिसको मैंने पहले से ही 2 आवर के लिए भिगो दिया था। हमें दाल के साथ चावल भी लेने हैं। हम जितनी दाल लेंगे उसके डबल चावल लेने हैं, क्योंकि डोसे में चावल ज़्यादा होते हैं और हमारा डोसा क्रिस्पी और सॉफ्ट बनता है। अदरक और मिर्ची भी हमें लेनी है और लहसुन भी डालना है हमें। टेस्ट मुजब सॉल्ट डालना है। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी भी डाला है। मिक्सी करने के बाद हमारे डोसे का बैटर देखो ऐसा होता है। हमें ऐसा ही बैटर चाहिए, इतना ही पतला। जो आपका बैटर थोड़ा से गाढ़ा हो तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कद्दूकस लिया, लौकी भी ली है, क्योंकि उससे हमारा डोसा क्रिस्पी होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इस डोसे की खासियत यह है कि हमें इस बैटर का फर्मेंटेशन नहीं करना है, डायरेक्ट ही हमें डोसा बनाना है। और यह डोसा आप जल्दी बना सकते हो, टाइम बहुत कम लगता है इस डोसे बनाने में। अब हमें एक पैन लेना है और उसमें तेल लगा देना है। अब इसमें बैटर डालना है। देखो हमारा डोसा कितना अच्छा लग रहा है। उसे थोड़ी और देर पकने देना है, क्योंकि वो क्रिस्पी हो जाए। ऐसी नई नई रेसिपी के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।